स्टूडेंट्स होली है और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। एक स्टूडेंट है जो अभी एम्स दिल्ली में है, आपके सामने अभी कैमरा पे आएंगे। 2016 में 210 नंबर आया था, 2014 में 12th किया था, 2016 में 210 आया, बीएससी किया 2017 में, 2018 में 491 आया और 2019 में एम्स दिल्ली पहुंच गए। अंकित कुमार इनका नाम है, फरुखाबाद से है। शायद फरुखाबाद से पहले कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आपको शायद ये मोटिवेशन हो कि कहीं पे भी आप हैं, यदि आपका सपना है ठीक है, आप वहां पे पहुंच सकते हैं। यदि आपके दिल में और दिमाग में होप है और होप के लिए एक प्लान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके लिए जबरदस्त मेहनत करेंगे तो इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो अंकित को बुला लेता हूं। अंकित आ जाइए आप, ठीक है। तो अंकित बताइए कैसे अपने आप को मोटिवेट किया इस जगह से 210 से एम्स दिल्ली तक पहुंचने का? पहले शुरुआत में मेरा फिजिक्स तो कमज़ोर था, और कितना कमज़ोर था? बहुत, बिल्कुल जीरो था। इसका एक रीज़न है। जीरो का क्या मतलब है? एक रीज़न था क्योंकि हमने 12th पास आउट किया था 2014 में, और उसके बाद मैंने बीएससी किया था, तो बीएससी में हमारा फिजिक्स नहीं था, सीबीजेड यानी केमिस्ट्री जूलॉजी बोर्ड नहीं था। तो बीएससी के साथ साथ मैंने 2016 में नीट सेकेंड एग्ज़ाम दिया था, उसमें हमारे 210 मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद मैंने बीएससी कंटिन्यू रखी और फिर नहीं एग्ज़ाम दिया था। फिर मैंने सोचा कि प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बाद फिर मैं बीएससी कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन कानपुर गया और वहाँ प्रिपरेशन की। फिर मैंने 18 का नीट एग्ज़ाम दिया, तो 18 में आपके 491 मार्क्स आए थे। तो बीएससी में हमारी फिजिक्स जीरो थी क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था हमारे पास। तो अब हमको प्रिपरेशन फिजिक्स की जीरो से स्टार्ट करनी थी, और मैंने फिर जीरो से स्टार्ट की। तो कैसे स्टार्ट की, मैं क्लास जाता था तो वहाँ पे सर पढ़ाते थे, जो भी उसको ठीक से पढ़ते थे, और क्लास रूम पे जाके नोट्स बनाते थे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोचिंग की जो सीट्स वगैरह रहती थी वो देते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से मुझे पता चल जाता था कि कितनी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सर ने पढ़ाया था उसका कितना कोरिलेशन है। तो इस तरह से फिर मैंने फिजिक्स की धीरे धीरे सीखा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं लगाया आपने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट दिए? हमने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे टॉप पे रहते थे हमारे, मतलब सॉल्व करने के लिए। अच्छा। और क्लास सीट्स वगैरह मिलती थी जो चैप्टर वाइज। हाँ। और उसके अलावा जो हमारे टेस्ट होते थे रेगुलर टेस्ट सीरीज, वो बस इसके अलावा और कुछ नहीं गया। मैंने बार बार उन्हीं में घूमता रहता था, बस कम से कम 4-5 बार तो प्रीवियस ईयर लगाए हैं। तो मुझे बताइए मोटिवेशन कहाँ से आता था, कैसे आपको कभी भी लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एम्स में? लगता था या होने के बाद पता चला कि एम्स में भी हो सकता है? ये तो मुझे कभी मतलब होप नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो जाएगा। बस मुझे ये लगता था कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, कहीं भी एक सीट ले सकता हूँ, बस एम्स दिल्ली मतलब मिल जाना एक मेरा सपना पूरा हो गया, वो बात है। ठीक है, तो ये बताइए किसके लिए कर रहे थे इतनी मेहनत? मतलब ये छोटी मोटी नहीं है, 2014 में आपने 12th किया, और ज्यादातर बच्चे इस रास्ते पे जाने के बाद गिव अप कर देते हैं, बीएससी वाले रास्ते पे जाने के बाद। तो कहाँ से मोटिवेशन मिल रही थी, किसके लिए ये सब इतनी मेहनत कर रहे थे? सब कुछ करना तो फैमिली के लिए था, अपने लिए भी करना था, और तो ये मोटिवेशन मतलब ये करता है, डिसाइड करता है कि हमको लाइफ में आखिर करना क्या है, हमको बनना क्या, अपनी लाइफ कैसे सेट करनी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने अभी तक क्या 2-3 साल गवा दिए या 4 साल गवा दिए, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले 50 साल आपको कैसे बिताने हैं वो आपको सोचना है। तो इसी के साथ फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने 3 साल ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली, अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो फैमिली वालों के मतलब पैसे खर्च किए ग्रेजुएशन करने में, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि हमको तो डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो उसके फिर लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैं अपनी 3 साल भूल गया। समझ गया, तो अंदर कहीं सपना था जो कभी मरा नहीं? हाँ यही है। ये, जी बिल्कुल। और उस वो आपको कंटिन्यूसली जैसे 491 आया तो लगा नहीं कभी कि बस अब गिव अप कर देता हूँ, नहीं होगा मेरा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी फिजिक्स कमज़ोर है, और बस 491 उस टाइम कट ऑफ गया था मेरा 535, तो मुझे लगा थोड़ा सा तो डिफरेंस है, फिजिक्स और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं,
तो हो जाएगा, लेकिन अब वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया तो हम दिल्ली एम्स तक आ गए। तो बच्चों एक चीज़ समझने की कोशिश कर लीजिए, इस वाले वीडियो को मैंने ज़्यादा कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपका कोई सपना है और आप लगे हुए हैं, ठीक है, एक साल, दो साल, तीन साल, पांचवा साल है ये, ठीक है, और मैंने डॉक्टर राजीव रंजन से भी आपकी पहले बात कराई थी, वो भी फिफ्थ अटेम्प्ट एम्स में पहुंचे, ठीक है। आप यदि मेहनत करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, खुद के अंदर बेमतलब में निराशा नहीं लाएंगे, ठीक है, जब ये बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे कोई इनसे नहीं पूछेगा कौन सी अटेम्प्ट में एम्स में पहुंचे थे, सिर्फ ये मैटर करेगा कि ये एम्स में पहुंचे, और एम्स में वही बच्चे पहुंचते हैं जो गिव अप नहीं करते। तो आपको गिव अप नहीं करना है, फाइट मारते रहना है, और ये नहीं सोचना है कि इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, इस साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल फिर एम्स का फाइट मारूंगा, अगले साल नहीं हुआ तो फिर वापस फाइट मारूंगा, इस सोच से करेंगे तो इस साल हो जाएगा, और ये सोच लिया कि नहीं हुआ तो क्या करूंगा तो बहुत बड़ी दुनिया है, तफरी करते रहिएगा। आपके सामने जीते जाते एग्जाम्पल है अंकित, इन्होंने कर दिखाया, आप भी कर सकते हैं, फाइट मारते रहिए, गिव अप मत करिए, होली का दिन है, खुद को प्रॉमिस करिए कि मैं अपना सपना हर हालत में पूरा करूंगा। अंकित ने फरुखाबाद से 5 साल के अंदर एम्स में सिलेक्शन पाया, मैं भी पा सकता हूं, ठीक है बच्चों।